एक बड़ा विषय है जो इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। ये राजू फकीरा नाम के कलाकार हैं जो कि लखनऊ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी ये स्वयं एक जीती जागती मिसाल हैं, एक विरासत हैं। सात पीढ़ियों से इनका परिवार रावण का ये विशालकाय पुतला तैयार करता है। और ख़ास बात यह है कि ये न सिर्फ रावण के पुतले बनाते हैं बल्कि उसके बाद ये ताजिए भी बनाते हैं, यानी हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक और मुस्लिम संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक दोनों के ये निर्माण करते हैं, उनकी तैयारियाँ करते हैं। इनसे जानते हैं, राजू जी बताइए कि सात पीढ़ियों से आपका परिवार, आप बता रहे हैं, इस काम में लगा हुआ है, कैसे ये सिलसिला चल रहा है? ये सिलसिला हमारा जो हमारे बाबा थे उनके पिताजी के समय से शुरू है, तो वो भी जो है तो साल भर ताजी का काम बना करते थे। और आपकी ऐतिहासिक जरी जो लखनऊ की उठती है एक मुहर्रम को, जिसे मोम का ताजिया कहते हैं, वो हमारे बाबा के पिताजी बनाते थे। फिर हमारे बाबा ने बनाया, फिर पिताजी ने बनाया, उसके बाद करीब करीब 30 साल हो गए उसको बंद हुए। मतलब बनती है जरी लेकिन अब वो एक नाम मात्र रह गई है। लेकिन ये है कि हम हिंदू होने के साथ साथ हम पूरी तरह से साल भर ताजिए का भी काम करते हैं, और उसके बाद जब हमारा दशहरा पर्व शुरू होता है नवरात्र, तो फिर हम इस ताजिए के कार्य को रोक करके फिर हम अपने इस रामलीला में आ जाते हैं। पहले हमारे पास लखनऊ के करीब करीब 18 आर्डर होते थे दशहरे के, लेकिन 2008 के बाद से हमने सब बंद कर दिया। सिर्फ हम लखनऊ की ऐशबाग रामलीला का ही पुतला बनाते हैं। और पुतला आपने तैयार किया है, क्या विशेषता, कितना समय लगा इसको एक महीना हो गया, करीब करीब एक महीना हो गया करते करते, और अब ये अंतिम चरण में आ गया है। इसके साथ साथ दो पुतले और हैं जो आपकी जो परंपरागत रामलीला, जिसके लिए रामलीला होती है, जिसका दहन किया जाता है, वो दो पुतलों का निर्माण अलग से हुआ है, वो हमेशा होता है। ये तो थीम है जो समाज के अंदर कुरीति चल रही है, जिस तरह की विघटन पड़ा हुआ है, आतंकवाद फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नारियों पर अत्याचार हो रहा है, तो ये जो विशालकाय पुतला है ये संदेश है समाज को देने के लिए कि आप इन सब चीज़ों से दूर होकर के सच्चे मन से, सच्ची तरह से आप अपना जीवन व्यतीत करें। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि किस तरह से इनका जो पूरा परिवार है वो सात पीढ़ियों से दोनों धर्मों के जो बड़े प्रतीक हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हें सहेज रहे हैं और एक संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि सभी धर्म मानवता की शिक्षा देते हैं, लोगों को मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाने चाहिए और देश दुनिया को नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए। लखनऊ के रामलीला मैदान से ईटीवी के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।